हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक दोस्तों, कोचिंग बहुत हो गई ना, अब चलो हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। याद रखो दोस्तों, दुनिया में सबसे बेहतरीन पढ़ाई खुद की होती है। यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो आपके कहीं भी बेड़ा पार नहीं हो सकता। तो दोस्तों, बात ऐसा है कि आज मैं 50 के इंग्लिश के बारे में बृहद जानकारी दूंगा। अलग अलग टॉपिक पे मैं डिस्क्राइब अलग अलग बातों से करूंगा। देखो दोस्तों, पोएट और स्टोरी में मिला जुला के कुछ ना कुछ सिमिलर होती है, फिर कुछ ग्रामर पोर्शन होते हैं। ग्रामर पोर्शन भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इस वीडियो पे मैं पूरा नहीं दूंगा। मैंने इस वीडियो का लक्ष्य बनाया है कि यदि मुझे कम से कम 1000 लाइक्स मिल जाए तो मैं तुरंत ही इमिजिएटली सेकेंड पार्ट तुरंत बना ही दूंगा। तो इसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा। तो चलते हैं दोस्तों, प्रोज से हम कुछ पॉइंट को लेते हैं। ये प्रोज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इससे जो बेहतरीन क्वेश्चन होती है, वैसे क्वेश्चन कोई खास नहीं होती, पर ये क्वेश्चन एग्जाम संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ टू मॉडर्न सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है और बार बार ये क्रम चलता ही रहता है, इसलिए ध्यान दें। वाई आर ऑर्डर एंड सेफ्टी नेसेसरी फॉर सिविलाइजेशन, यही सिविलाइजेशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी उतना ही नेसेसरी है जितना कि पहले वाला है। तो कृपया इस सब क्वेश्चनों को ध्यान दें और आंसर की चिंता आप विशेष रूप से देख लें। हाउ शुड मैन स्पेंड हिज टाइम एंड एनर्जी, ये भी क्वेश्चन बहुत नेसेसरी है। यदि आपको आंसर चाहिए तो कमेंट करें और मैं आपको आंसर दूंगा जरूर। शो हाउ पर्सन रिलीज ऑन मशीनरीज इन हिज डेली लाइफ, गिव फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद क्वेश्चन है कि डिस्कशन करना आइडिया है कंटेंट इन ऐसे फॉरगेटिंग का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा और ये आप जरूर पढ़ें और इसकी चिंता ना करें कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, जस्ट आप मेहनत करें। इसी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ गुड मैनर्स इन लाइफ, या तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जरा आप ध्यान से देखें कि एक्सप्लेन द मेन आइडियाज कंटेन इन द एसे गुड मैनर्स, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है। तो दो में से एक क्वेश्चन बार बार आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है और ये क्वेश्चन को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखें। एक अगला क्वेश्चन है, राइट द समरी ऑफ द एसे अवर ऑन सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन के क्वेश्चन है, इसमें भी जरा ध्यान देंगे और ये बहुत ही नेसेसरी। राइट इन ब्रीफ द शॉर्ट स्टोरी ऑफ रॉबिन, ये रॉबिन की स्टोरी है और सॉरी ये डेविड कॉपरफील्ड से शायद लिया गया है, आप देख लेंगे विशेष रूप से। या फिर ये क्वेश्चन को इस तरह से और कर दिया जाएगा या इसी तरह की सेम क्वेश्चन होगी कि हाउ डिड जेम्स कॉर्बेंट ट्रेन हिज डॉग रॉबिन। ओह तो सॉरी, तो ये लगता है जेम्स कॉर्बेंट का के चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले एग्जाम में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन टकराए थे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के साथ कह रहा हूँ। एक काम करो, मेरे द्वारा जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उस क्वेश्चन को आप बारीकी से अपने टीचर से पूछो कि सर दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट और नॉट, इफ ही है ना बोल दिए कि हाँ ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज यदि सब्सक्राइब नहीं भी किया रहेगा दौड़ के आना मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर देना ताकि यार मैं बढ़ूंगा तो नई कंटेंट लाऊंगा और मैं नई कंटेंट लाऊंगा तो हम लोग साथ चलेंगे। ओके, अब बात करेंगे पॉटरी संबंधित। पॉटरी संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, मैं जो क्वेश्चन दूंगा सिर्फ इस पार्ट में, अगले पार्ट के लिए विशेष रूप से देखेंगे। तो राइट द समरी, जो है छोटी सी समरी लिखनी है द डॉबडील पे। डॉबडील का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, हर तरह से एग्जाम में आ रहे हैं और इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से देखो। दूसरा क्वेश्चन इको है, ये इको एक परछाई संबंधित एक प्रतिध्वनि आवाज है इस पोएम में, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। यदि इस पोएम को आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो और उसको बार बार लिखते हो तो आपकी एग्जाम बहुत बेस्ट जाएगी, तो इस पोएम के जो है क्लियरेशन पे ध्यान दें। इसी के साथ आप एक और है जो आप उसको भी समरी ही लिखना है, वो इफ पोएम है और इफ में भी आपको बहुत ही अच्छी कंटेंट उस पोएम में दिया हुआ है। यदि आप उसको बहुत अच्छे से और बारीकी से पढ़ोगे तो ही कुछ बात बन सकती है, नहीं तो फिर पोएम समझना और उसको लिखना बहुत क्रिटिकल और मुश्किल हो जाती है। इसी के साथ एक और लास्ट पोएम है द सोल्डर है, ये एक सैनिक की कहानी है, एक कविता है जो अपने बयां इस पोएम में बयां करता है, तो इसको भी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखोगे। यदि नहीं देख पाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर तो उसकी टेंशन मतलब, बस ये जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उस बुक से बेहतरीन तैयारी करें जहाँ तक संभव हो सके। और देखिए, कोई मुझे कंटेंट नहीं मिला तो मैं अपना फोटो लगा दिया हूँ और ये अब होगा डेविड कॉपरफील्ड के बारे में, ये लास्ट पोस्ट है, इसमें देखिएगा राइट जो है एक नॉवेल है, ब्रीफ करना है डेविड कॉपरफील्ड के बारे में। डेविड कॉपरफील्ड का जो नॉवेल हमारे बुक में दिया है उसको जितना संभव है उसको आप लिखने की अपने अपने शब्द में, जरूरी नहीं कि किताबी लैंग्वेज होनी चाहिए, बस अपना शब्द होना चाहिए, किसी तरह लिखना है।
इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है कि डू यू लाइक डेविड कॉपरफील्ड, गिव रीजन, तुम्हें डेविड कॉपरफील्ड किस हद तक पसंद है या उसके बारे में जो भी जानते हो यार लिख दो, बस वही हो गई उसकी आंसर, है ना, बस क्वेश्चन घुमाया है। देखो एक और उसी तरह का सेम क्वेश्चन होगा कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। अच्छा बताओ ये वाला और वो वाला क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं, पर क्वेश्चन है ये जस्टिफाइड करना है, इसी में आप कंफ्यूज ना होना और आगे ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितना आप कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगले वीडियो के लिए आप वेट करें, मैं जल्द से जल्द इस टॉपिक पे एक नया वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ बाय, देसी गुरु आपको अलविदा कहता है और बेस्ट ऑफ लक इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करो और बिहार बोर्ड के इस जाल से बच जाओ।